नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल भोज। तो फाइनली आज का दिन जो पवित्र दिन है, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आज 11 जुलाई है और ठीक एक महीने बाद रिलीज होने वाली है फिल्म OMG 2, जिसमें अक्षय कुमार साहब जो हैं भगवान शंकर को रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में अब इसका एक टीज़र रिलीज़ किया है जो सचमुच में हमारी आस्था को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, हमारी आस्था को सीधा परमात्मा से जुड़ा देता है। तो चलिए इस टीज़र की बात करते हैं। मेरा दूसरा नया चैनल राहुल भोज कॉमेडी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दिया है, ज़रूर जाके देखिए। हर हर महादेव। तो भाई, यहाँ पर इस बार OMG 2 में एक आस्तिक की कहानी दिखाई गई है। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछली जो कहानी थी वो नास्तिक की थी, जिसे ईश्वर ने बताया था कि भाई ईश्वर होते हैं और आपको बस उन पर विश्वास रखना चाहिए। यहाँ पर जो भक्त है वो प्रॉपर तरीके से भगवान शंकर का भक्त है और वो आस्तिक है, नास्तिक नहीं है, भगवान को मानने वाला नहीं है, बल्कि वो भगवान को मानता है। कैसे वो संकट में पड़ रहा है और इसके बाद कैसे वहाँ पर रुद्रदेव यानी कि हमारे महादेव का आगमन होता है और उसके बाद वो सारी घटनाक्रम बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। टीज़र एक्साइटमेंट का डोज प्रदान करता है और मैं यही कहना चाहता हूँ आदि पुरुष के मेकर से कि सीखो कुछ यहाँ पे। अक्षय कुमार साहब मॉडर्न देव, मॉडर्न डे के शिव जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत, उनका चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो जटाएँ हों, चाहे वो नंदी जी का वो जो रिप्रेजेंटेटिव वाला सीन हो लास्ट में जो दिखते हैं, तो ये सब ही देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक और मेन इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो है कि यहाँ पर जो हमारी हिंदू मान्यताएं हैं, हिंदू संस्कृति है या फिर हमारा कल्चर है, उसको किसी भी तरीके का छेड़छाड़ जो है नहीं की गई है। किसी तरीके की भी चीज़ें ऐसे नहीं रखी गई है जो कि अननेसेसरी है। सो ओवर एंड ऑल यही कहना चाहूँगा कि ये टीज़र जो है एंटरटेनमेंट का डोज प्रोवाइड करता है, ये टीज़र जो है आपको भगवान पे, ईश्वर पे बिलीव करने की बात करता है। देखिए, अगर मैं OMG 2 की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मुंबई में पूरे बादल छाए हुए थे और अभी अचानक से सूर्यदेव आ गए, छा गई धूप, तो यही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म एक्साइटमेंट का डोज देगी, बट गदर के सामने ये चल पाएगी कि नहीं ये देखना इम्पॉर्टेंट होगा। वैसे गदर का भी टीज़र आ गया है जो कि फुल ऑन मसालेदार है। OMG 2 की ऑडियंस, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगी, देख के ऐसा लग रहा है। फर्स्ट डे अगर उतनी कमाई नहीं होती है, लेकिन फिल्म का कॉन्टेंट अच्छा हुआ, फिल्म का कॉन्टेंट जो है जुड़ा हुआ हुआ हम लोगों के साथ, हमारी मान्यताओं के साथ या हमारे धर्म के साथ या हमारी हमारी परंपराओं, हमारे विश्वास के साथ, तो वो डेफिनेटली ऑडियंस को अपील करेगी और लोग जो हैं 15 अगस्त तक इस फिल्म को देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और इस फिल्म की जो कहीं ना कहीं इनकम है वो इंक्रीज़ होगी होगी। आपको क्या है कहना, आपको कैसा लगा टीज़र ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।